और आधा दिन पूरी खबर में इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक गैंग पर आज भी बुलडोजर एक्शन होगा। सफदर अली के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा, उससे पहले सामान निकाला जा रहा है। खबर यह है कि 4 बुलडोजर और नगर निगम की टीम सफदर अली के घर पर पहुंच गई है और सफदर के घर का बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया है। थोड़ी देर में शुरू होगा बुलडोजर एक्शन। गुड्डू मुस्लिम और शूटर गुलाम के घर पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। और अगले एक दो दिन में अतीक गैंग के फाइनेंसर नफीस के घर पर भी होगा बुलडोजर एक्शन। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए बिजली कनेक्शन काट दिया गया है और स्वाभाविक तौर पर जहां भी बुलडोजर कार्रवाई होती है वहां से बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है ताकि करंट ना फैले, और इसी के लिए ये बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। और बिजली कनेक्शन काटने का मतलब यह है कि कुछ ही देर के बाद आपको बुलडोजर चलता हुआ दिखेगा। प्रमोद इस वक्त जुड़े हुए उनकी तरफ चल रहे हैं। प्रमोद जरा दिखाइए तस्वीरें, इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं कि सफदर अली के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया है और तमाम बुलडोजर और जेसीबी मशीन बिल्कुल अलर्ट मोड पे हैं, और जैसे ही बिजली कनेक्शन काटने के बाद तमाम सामान बाहर निकाल लिया जाएगा, उसके बाद बुलडोजर अपने एक्शन में आ जाएगा और कुछ ही देर में जो ये जो घर आप सामने देख रहे हैं इसको जमींदोज कर दिया जाएगा। यहाँ पर चढ़ के बाहर की जो है बिजली काट दी गई है ताकि किसी तरीके का कोई दुर्घटना ना हो। पुलिस बल जो है काफ़ी संख्या में तैनात किया गया है, तमाम सामान जो है घर के अंदर का वो बाहर निकाल लिया गया है। एक तरह से लास्ट काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है, और जो जानकारी मिल रही है कि कल जो गुड्डू मुस्लिम है उसके घर पे भी बुलडोजर चलेगा, और यहाँ पर जो खुद सफदर अली है उनकी बेटी है वो यहीं पे मौजूद है और अपने सामने अपने ही घर को जो है घर के ऊपर बुलडोजर चलते हुए वो देखेंगी, क्योंकि उन्होंने जब ये बना बनाया घर खरीदा था तो उन्हें नहीं पता था कि बिना नक्शा पास कराए इस घर का निर्माण किया गया है, जिसके बाद प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इनको नोटिस दिया और बताया कि ये गैरकानूनी है, सरकारी ज़मीन पर ये कब्जा भी किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा, तो उसके बाद अब ये निर्णय लिया गया है। सफदर अली जो खुद टोपी पहन के आप सामने आपको दिख रहे होंगे कि बिजली कटने के बाद अब अंदर जो है जो अधिकारी हैं सीनियर ऑफिसर हैं प्रयागराज एडमिनिस्ट्रेशन के वो अंदर मौजूद हैं, और उसके बाद यहाँ से जब सारा सामान निकल जाएगा बिजली कट जाएगी और उसके पूरी तरीके से संतुष्टि होने के बाद लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता दें अतीक के ठिकानों पर एसटीएफ की रेड लगातार जारी है। ग्रेटर नोएडा में अतीक के घर पर एसटीएफ की रेड। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में अतीक के घर पर रेड की है एसटीएफ ने। एसटीएफ और पुलिस ने 3 घंटे तक रेड की है। छापेमारी के दौरान घर में कोई भी नहीं था। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है, ग्रेटर नोएडा में अतीक के घर पर एसटीएफ ने रेड की है और ये कार्रवाई तकरीबन 3 घंटे चली है। सेक्टर 36 में अतीक के घर पर रेड हुई, हालांकि जिस वक्त ये रेड हुई उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। तो एसटीएफ और पुलिस ने कई ठिकानों पर यह कार्रवाई की है, छापेमारी के दौरान घर में कोई नहीं था। जो जानकारी आ रही है अतीक के ठिकानों पर एसटीएफ की रेड अब भी जारी है। तो लगातार जो अलग अलग ठिकाने हैं उन ठिकानों पर एसटीएफ और उत्तर प्रदेश की पुलिस रेड कर रही है। और विधानसभा में एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजे हैं। उन्होंने कहा कि हर तरह के माफिया राज्य में पहले पनप रहे थे जिनको हमने खत्म करने का काम किया है। शकुनी को पालेंगे तो सत्यानाश होना तय है। 2017 से पहले संगठित माफिया थे उत्तर प्रदेश में, 2017 से पहले बहन बेटियों को खतरा था। एक बार फिर चेताया है, माफियाओं के खिलाफ ये बयान दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बड़े विद्वान ने कहा कि समस्या का समाधान किस पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था और अर्जुन का कृष्ण था, परिणाम सब। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से पहले उन्होंने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे उसी तर्ज पर फिर से कह रहे हैं। और ये देखिए मिट्टी में मिलाने का काम, माफिया कितने मिलेंगे ये तो देखना पड़ेगा आगे, लेकिन ये जरूर है कि ये मकान जरूर मिट्टी में मिल जाएगा, जमींदोज हो जाएगा। बुलडोजर एक्शन की तैयारी बिल्कुल शुरू हो गई है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बुलडोजर अपनी जगह ले चुका है, अपनी पोजीशन ले चुका है, और एक नहीं दो नहीं 3 बुलडोजर आपको एक साथ इस तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। और
सभी एक साथ चलेंगे या धीरे धीरे चलेंगे। हालांकि लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, जो तस्वीरें इस वक्त मलिका देख पा रहे हैं, लोगों को वहां से बाहर किया जा रहा है, क्योंकि जब इमारत गिरती है या ऊपर से ईंट पत्थर बजरी गिरेगी तो वो देख कर नहीं गिरेगी, इसलिए लोगों से कहा जा रहा है कि आप यहाँ से दूर हो जाइए और इसके बाद ही ये बुलडोजर एक्शन शुरू होगा। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इससे एक बात तो साफ है कि सदन में अपने बयान के बाद प्रयागराज प्रशासन और पीडीए एक्शन मोड में नजर आ रही है। अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम योगी सरकार ने शुरू कर दिया है और देखिए बुलडोजर यहां पर पहुंच चुका है। उमेश पाल हत्याकांड में कल हमने देखा थी कि अहमद के करीबी खालिद जफर के घर बुलडोजर चलाया गया था और इसी कड़ी में आज चकिया इलाके में सफदर अली के मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर जमींदोज करेगा और ये एक्शन वहां पर, ये कार्रवाई यहां पर शुरू होने वाली है। किसी भी वक्त ये बुलडोजर एक्शन मोड में आपको नजर आएगा। और हालांकि जानकारी ये भी है कि सफदर अली को मकान के ध्वस्तीकरण के संबंध में पीडीए ने नोटिस पहले ही दे दिया था और लगातार कुछ देर से इस पूरे प्रकरण की तैयारियां चल रही थी, वहां से सामान निकाला गया। हालांकि उस इलाके की अगर बात की जाए तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले मौके पर भारी फोर्स भी तैनात कर दी गई है। जहां पर कार्रवाई होनी है उस रास्ते को पुलिस ने बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि आरएएफ की टुकड़ी भी वहां पर तैनात की गई है और आसपास वो इलाके को खाली कराया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई अड़चन इस कार्रवाई को पूरा करने में ना आए। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और दो बुलडोजर इस वक्त आपको एक साथ नजर आ रहे होंगे, बीच में प्रशासन की टीम इस वक्त मौजूद है। और ये देखिए तस्वीर जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं वो आपके सामने है कि किस तरह से अब ये बुलडोजर इस मकान पर चलने वाले हैं। आपको ये जरूर बता दें कि ये बताया गया है प्रशासन की ओर से कि ये अवैध तरीके से जो है वो मकान बनाया गया और इसी को लेकर पीडीए ने ये जानकारी दी है कि नोटिस इनको दिया गया और इसके बाद ये प्रक्रिया की जा रही है। हालांकि परिवार का ये कहना है कि उन्हें ये पता नहीं था जब उन्होंने ये मकान खरीदा कि इसका नक्शा पास नहीं है और आरोप ये भी है कि कुछ सरकारी जमीन भी है जिसके ऊपर कब्जा करके मकान का कुछ हिस्सा बनाया गया है। तो अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद, लेकिन इसकी मूल बात यही है कि सफदर अली अतीक का करीबी है। सफदर अली के बारे में जानकारी ये है कि वो गन शॉप का संचालक है और गन शॉप की आड़ में अवैध तरीके से भी हथियारों का सौदा वो किया करता था, इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और सफदर अली के घर पर अब बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है और प्रमोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। दिखाइए प्रमोद, क्या एक्शन शुरू हो गया है वहां पर? देखिए बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि तीन तीन जो बुलडोजर को एक के साथ एक खड़ा किया हुआ है, लेकिन चूंकि एक जो इलेक्ट्रिशियन है वो लाइट काटने के लिए ऊपर गया था, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से काटी गई थी, इसीलिए इन्हें रोका हुआ था। और तमाम जो ऑफिसर्स थे या फिर परिवार के लोग थे या दूसरे अन्य लोग थे घर के अंदर थे, पूरे घर को एक तरीके से देखा गया है कि अंदर कोई रह तो नहीं गया। उसके बाद एक्शन मोड में आपको तीन तीन जो बुलडोजर है वो नजर आएंगे और जैसे ही जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका ऑर्डर होगा, और ये आप देख सकते हैं कि इनको ऑर्डर मिल गया है और ये घर तोड़ने की जो है शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन है और ये आप ये देखिए तीनों जो बुलडोजर है वो एक साथ जो है उन्होंने जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को शुरू कर दिया है और पूरे इस मकान को जो कि अवैध बना हुआ है इसे मिट्टी में मिलाने की कवायद शुरू हो चुकी है। पेड़ को तोड़ा जा चुका है और अब जो कंक्रीट का ये वो हिस्सा था जो कि अवैध निर्माण किया हुआ था सरकारी ज़मीन पे, इस जो जगह को घेरा हुआ था इसका अवैध निर्माण किया हुआ था। और अब समझाया जा रहा है कि अगर इस मकान को तोड़े तो इसके साथ ध्यान रखें कि साथ में दूसरे जो है मकान उसको किसी तरीके की कोई हानि ना हो, और तो ध्यान बड़े संभल के जो है इसे पूरे मकान को गिराना है ताकि आसपास के जो लोग हैं जो जिनका इस पूरे हत्याकांड में कुछ हाथ नहीं है, लेना देना नहीं है, उनको किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो, उनकी इमारत में कोई भी दरार ना हो। और ये आप ये देख सकते हैं बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है और ब्रेक के बाद एक तीन तीन बुलडोजर जो है इस मकान को तोड़ने में लगे हुए हैं और अगले कुछ ही देर में जो है इस पूरे मकान की जो है को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कंक्रीट का बड़ा पक्का मकान है और ये आप ये देख सकते हैं कि कैसे किस तरीके से मकान को जो है तोड़ने की के लिए जो है बुलडोजर जो है पूरे एक्शन में आ चुके हैं। जो पेड़ लगे हुए थे वो उसको तो हटाया जा रहा है और उसके साथ में
जो तारे हैं वो फंस गई है, ये सारी बिजली की तारें थी जिनको जिनका कनेक्शन काट दिया गया था। और साथ में आप एक साथ तीन बुलडोजर जो है वो इस मकान को गिराने में लगे हुए हैं। हालांकि इसके बाद भी एक बड़ी जेसीबी मशीन और बुलडोजर है वो पीछे रखा हुआ है, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी जगह नहीं है कि चार बुलडोजरों को एक साथ एक्शन मोड में लाया जाता है, लिहाजा तीन बुलडोजरों को जो है वो इस मकान को मिट्टी में मिलाने के लिए जो है वो शुरू किया गया है। उनको जो है ऑर्डर दिए गए हैं और यहाँ से जो बाहर का हिस्सा था, अवैध निर्माण था, वो पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। अब इसके बाद जो है, अब ये देखिए बुलडोज़र जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है और किस तरीके से जो लगातार ये पूरे मकान का जो पक्की दीवार है अब उसे तोड़ने के लिए तीनों बुलडोज़र आगे पहुँच चुके हैं। और अब ये देखना होगा कि किस तरीके से जो बुलडोज़र, पहला बुलडोज़र है जो मेन गेट की तरफ था, उसने मेन गेट को तोड़ा है और उसके बाद ये बुलडोज़र कार्रवाई। ये है योगी आदित्यनाथ का मॉडल, अपराधियों के खिलाफ यही बुलडोज़र की कार्रवाई से जो है बड़े बड़े माफिया या फिर अपराधी डरते हैं, दहशत में आते हैं कि जिस तरीके से कोई अपराध करेगा और कानून को अपने हाथ में लेगा तो सरकार भी इस तरीके से उसकी जो आशियाना है या उसको बना देने वाले लोगों की जगह है उसको ऐसे जमींदोज कर देगी ताकि आगे से भविष्य में कोई भी इस तरीके की हरकत ना कर पाए। और जिस तरीके से ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कि इस तरीके से अब इस मकान की जो, इस घर की जो है वो एक एक करके जो वो दीवारें हैं उसको तोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर ये बुलडोज़र एक्शन जो है वो शुरू हुआ है, एक साथ तीन बुलडोज़र जो है इस पूरे मकान को गिराने में लग गए हैं। यानी अब ये आप ये देख सकते हैं कि लगातार दीवारों को तोड़ने के लिए जो कवायद है वो की जा रही है और साथ में कोई नुकसान किसी दूसरी दीवार की दीवार को या दूसरे लोगों के घरों की दीवार को ना हो, इसका ध्यान भी रखा जा रहा है। जो पिलर काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं उनको तोड़ा जा रहा है और पिलर के टूटते ही जो ऊपर की छत है वो नीचे गिरेगी। काफ़ी पक्का मकान ये बनाया हुआ था और इसी ये तीन बुलडोज़र को अभी लगाया हुआ है। इसके बाद एक बड़ी जेसीबी मशीन है जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत और पावरफुल होती है, उसे बाद में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो ये बैटरी चेंज करना है, लेकिन जो आप ये देख सकते हैं कि यूपी के बुलडोजर एक्शन जिससे बड़े बड़े माफिया जो है वो खौफ खाते हैं। ये दीवारों को जो तोड़ दिया गया है, ये सामने की दीवार टूट गई है और अब ऊपर की दीवार उसे भी तोड़ा जा रहा है। ये आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किसी की हत्या की साजिश रचने में भी अगर कोई शामिल होगा तो उसे किस तरीके से हर्जाना देना होगा, उसे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। इन तस्वीरों को देखकर हर उस अपराधी को समझ में आ जाएगा जो कि कभी किसी अपराध में शामिल होने या साजिश रचने में के बारे में सोचेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कोई ऐसी जरूरत करता है तो उसका हासिल क्या होगा, उसके जीवन भर की गाड़ी कमाई, उसका जो आशियाना है उसे मिट्टी में मिलाने में ज़रा सी भी देर जो है वो योगी सरकार नहीं लगाएगी। तो ये तस्वीरें प्रबोध के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इनको एक एक करके आप देखिए, तीन बुलडोजर एक साथ हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। मजबूत मकान है और ड्रिल किया जा रहा है, पिलर्स तोड़े जा रहे हैं, दीवारें तोड़ी जा रही हैं और लोग वहां तक ना पहुंचे इसलिए पुलिस अब वहां बैरिकेड भी लगा रही है। ये देखिए तस्वीरें, बैरिकेड लगाने की भी लोगों से कहा जा रहा है, मीडिया के जो साथी हैं उनसे भी कहा जा रहा है कि वो भी थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें ताकि उन्हें कोई किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि अगर कोई पत्थर उछलता है, कोई दुर्घटना होती है तो स्वाभाविक रूप से वो प्रश्न भी प्रशासन से ही पूछे जाते हैं, इसलिए लोगों से कहा जा रहा है कि दूरी बनाकर रखें। अब तीन जो हैं जेसीबी मशीन है, तीन बुलडोजर के जरिए इस मकान को ध्वस्त किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। तो ये एक तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं और एक तस्वीर कल जफर के मकान की भी दिखा रहे हैं। कल जफर का घर जमींदोज किया गया था जिसके ऊपर
अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को शरण देने का आरोप था और वो मकान भी गिराया गया था, उसको लेकर भी जो परिवार वाले हैं वो कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। आज सफदर अली के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सफदर अली के घर वालों का कहना है कि ये पता ही नहीं था कि ये मकान जो है वो अवैध है या इसका नक्शा पास नहीं था। तो तमाम दलीलें हैं लेकिन इस बात की कोई ठोस दलील नहीं है कि क्या अतीक अहमद का सहयोग किया, क्या उसके गैंग का सहयोग किया या नहीं किया, इस बात को लेकर कोई ठोस दलील नहीं दे रहा है। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपको बेहद करीब से हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है और कैसे इस मकान को जमीन दोज किया जा रहा है। सफदर अली के बारे में जानकारी ये है कि वो आर्म्स का डीलर है और हथियारों का सौदा करता था, अवैध तरीके से भी करता था, ये उसके ऊपर आरोप है। और इसके साथ साथ ये भी उसके बारे में जानकारी है कि वो अतीक अहमद के गैंग का सहयोगी है, उनको भी हथियार सप्लाई करने का काम करता था और इसीलिए ये कार्रवाई उसके घर पर की जा रही है। प्रमोद हमें लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बार फिर से हम उनके पास चलते हैं। प्रमोद देखिए तीन बुलडोजर एक साथ गिरा रहा है मकान। देखिए बिल्कुल जो भारी हिस्सा है मकान का सफदर अली के वो लगभग टूट चुका है और यहाँ पर ये आप देखेंगे कि पिलर्स जो है ये सबसे मजबूत पिलर्स हैं उनको तोड़ने का काम चल रहा है क्योंकि इन पिलर्स के टूटने के साथ ही ऊपरी हिस्सा जो है वो नीचे आ जाएगा और बुलडोजरों को ऐसे जो पिलरों को तोड़ने में इस मकान को तोड़ने में लगाया गया है और साथ में भारी पुलिस बल जो है वो आसपास जो है तैनात कर दिया गया है ताकि किसी तरीके की कोई दुर्घटना किसी के साथ ना हो, सबको दूर कर दिया गया है। एक निश्चित दूरी पर जो है तमाम मीडिया को या दूसरा भी मिल के उनको उनके लिए बोला गया है और यहाँ पर आप ये देखिए जो वाटर पाइपलाइन है वो भी जो है टूट गई है और यहाँ से पूरा जो एक हिस्सा है उस हिस्से को जो आखिरी वाला जो बुलडोजर है इसको खासतौर पर हिदायत दी गई है कि घर को इस तरीके से तोड़े क्योंकि बराबर वाला जो घर है उसमें किसी तरीके का नुकसान ना हो। और यहाँ पर तीन तीन जो बुलडोजर है वो लगातार इस मकान को गिराने में लगे हुए हैं, काफ़ी मजबूत और वैसे कंक्रीट का बना हुआ मकान है और उसके पिलर्स को अभी जो है ये तोड़ा जा रहा है क्योंकि पिलर्स के तोड़ने के बाद जो पूरा हिस्सा है जो ऊपरी हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा और यहाँ पर तीन जो बुलडोजर है उनको लगाया है और साथ में बाकी के बुलडोजर या फिर ये जो मशीन्स हैं उनको अभी अलर्ट मोड पे रखा हुआ है, उसके बाद उनका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं लगभग जो भारी हिस्सा था इस मकान का वो पूरा टूट चुका है, घर के अंदर का सारा सामान जो है वो निकाल लिया गया था, जो बिजली का कनेक्शन था उसे काट दिया गया था और साथ में जितने भी यहाँ पर इस मकान को लेकर या फिर इसके आसपास के जो मकान थे उनमें से लोगों को बाहर निकाल लिया गया था क्योंकि इससे कार्रवाई में कहीं किसी तरीके से अगर थोड़ी सी कार्रवाई में ख़राब होती है तो किसी को नुकसान ना हो तो इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस ने जो है वो पूरी बैरिकेडिंग कर दी है पूरे इस इलाके को जहाँ पर ये पूरी बुलडोज़र का एक्शन हो रहा है इसको सील कर दिया गया है, अब किसी को भी अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है और फिलहाल जो है ये महा एक्शन बुलडोज़र का वो शुरू हो चुका है। तीन तीन बुलडोज़र एक साथ और हर बुलडोज़र में दो लोग मौजूद हैं, एक जो है वो लीवर को दबा रहा है और कहाँ पे किस दीवार को गिरानी है वो देख रहा है जबकि दूसरा जो शख्स है वो बता रहा है कि इसके बाद इस दीवार पे चोट करेंगे तो मकान जल्दी गिरेगा। और वहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से अभी अब वो जो मेन है जो कि आप ये देख सकते हैं पानी भी वहाँ से बहना शुरू हो गया है, पूरी जो वाटर की पाइपलाइन है वो टूट गई है, इस दीवार को अब तोड़ना शुरू कर दिया है और ये लगभग देखिए बुलडोज़र की कार्रवाई के में कितना वक्त कम वक्त लगता है कि वो पूरी दीवार भी अब टूट चुकी है जो भारी दीवार थी। इसके बाद अब इन पिलर्स को नीचे के पिलर्स को तोड़ा जा चुका है और ऊपर के पिलर्स को तोड़ा जाएगा और लगातार पूरे मलबे को हटाने के लिए डंपर्स और जो ट्रैक्टर्स हैं उन्हें भी लाया गया था कि पहले ये पूरा घर तोड़ा जाएगा उसके बाद मलबा भी यहाँ से साफ कर दिया जाएगा, यानी कि पूरे जो इस मकान को मिट्टी में मिला दिया जाएगा जो कि चुनौती दी थी, जो दावा किया गया था यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कि यूपी के माफिया को पूरी तरीके से मिट्टी को मिला देंगे और उन्हीं माफियाओं की को शरण देने वाले उनकी मदद करने वाले और उनके साथ साजिश में शामिल होने वाले जितने भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट सामने आएगी
उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन चलेगा और ये बुलडोजर एक्शन रुकेगा नहीं। आज जो सफदर अली है इसके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और कल के बारे में बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम है उसके घर के ऊपर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। कल भी एक आरोपी के घर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। ऐसे लोगों की तमाम जो घरों के निर्माण है उसकी बारी जानकारी जो है प्रयागराज विकास प्राधिकरण है वो जुटा रहा है कि उन्होंने नक्शा पास कराया है या नहीं कराया है या तय मानकों पे घर का निर्माण किया है या नहीं। और ऐसे लोगों के खिलाफ जिसके मकान में भी कमी होती है उसको नोटिस दिया जाता है और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। ये जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल जो आरोपी है उनमें से असद जो कि अतीक अहमद का बेटा है उसका करीबी बताया जाता है सफदर अली को, और उसी से की बहुत ही करीबी के कारण जो है पुलिस का शक जो है इसके ऊपर भी गया था और इसके घर के बारे में भी जानकारी मिली थी कि कई अवैध निर्माण कराया हुआ है जो तय नक्शे के हिसाब से घर नहीं बनाया गया है। उसके बाद लगातार इनके घरों को तोड़ने की कवायद चल रही है। ये बुलडोजर एक्शन आप लाइव तस्वीर मीडिया पे सीधे देख रहे हैं कि किस तरीके से अब शुरू हो चुका है। भारी दीवार टूट गई है और उसके बाद अब सामने की दीवार और जो पिलर है उन्हें तोड़ने का काम किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि तीन जो बुलडोजरों को इससे पूरे मकान को जमींदोज करने के काम में लगाया गया है। इसके बाद बाकी के जो बुलडोजर है या फिर बड़ी जेसीबी मशीन है उसका इस्तेमाल किया जाएगा इस घर को गिराने के लिए, इसको जमींदोज करने के लिए। लेकिन तीन तीन बुलडोजर एक साथ एक्शन मोड में है और देखते ही देखते सामने वाला। प्रमोद आप बने रहिए हमारे साथ, महत्वपूर्ण जानकारी और अहम तस्वीरें पहुंचा रहे थे प्रमोद। और इस बीच आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कुछ कहा। बड़े विद्वान ने कहा इस समस्या का समाधान इस पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था और अर्जुन का कृष्ण था, परिणाम सपनी को पालेंगे तो सत्यानाश होना ही होना है। और यह दृश्य अगर विपक्ष समझ पाएगा तो संभवतः कुछ संस्कृति है। हर प्रकार का माफिया प्रदेश के अंदर हावी हो गया। कहीं संगठित अपराध को संचालित करने वाला माफिया था, कहीं भू माफिया था, कहीं खनन माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे। हर प्रकार के माफिया प्रदेश में के अंदर पनप रहे। लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर जिस उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ, वह नौजवान के सामने 17 के पहले जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश और दुनिया में जहां कहीं जाता है सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। तो आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बुलडोजर एक्शन यहां पर शुरू हो गया है। दरअसल उमेश पाल और उसके एक सुरक्षा कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश प्रशासन सरकार पर सवाल उठ रहे थे। इस हमले में घायल एक दूसरे सुरक्षा कर्मी की भी बुधवार को मौत हो गई थी। और ये साफ कर दिया गया है ब्रजेश पाठक की तरफ से भी कि दो जो पुलिसकर्मी हुए जिनकी मौत हुई है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। उसी के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में भी ये साफ कर दिया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और लगातार बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिल रहा है। ये कार्रवाई आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें देखिए बुलडोजर के एक्शन की।